हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी के एक कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी का प्रयास किया गया। सतनाली बस स्टैंड पर अग्रिम बुकिंग करने वाले रोडवेज कंडक्टर से बुकिंग क्लर्क के पद पर प्रमोट करने के लिए जीएम के नाम से 30,000 रुपए मांगे गए। कर्मचारी को शक हुआ तो उसने सीधे रोडवेज के जीएम से बात की तो पूरा मामला साफ हो गया कि उसे ठगने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें मेरा एक कर्मचारी है करमवीर सोनी, जिसके पास किसी अन्य आदमी का एक फ़ोन आया है। उसने बताया है कि मैं हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ और आपकी प्रमोशन करा देंगे या आपको इंक्रीमेंट दे देंगे, ऐसा कुछ उसने प्रलोभन दिया है, जिसमें उसने मेरा नाम भी मिसयूज़ किया है कि मैं प्रदीप अलावा जीएम को भी जानता हूँ और मेरे नाम से भी उसने उसको दूसरे नंबर से कॉल की है। जब ये सारी बातें हुई तो करमवीर जो मेरा एम्प्लॉय है उसने मेरे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे कोई फ़ोन आया है जिसने ये बातें कही हैं। तो मैंने उसको तुरंत कहा कि आप नज़दीक की जो भी आपका पुलिस स्टेशन है आप वहाँ जाके इसके अगेंस्ट FIR कराइए, ये कोई साइबर फ्रॉड का मैटर है। इसके ऊपर उसने सतनाली थाने में SHO को वहाँ पे कंप्लेंट दी और मैंने भी उसके बाद SP नारनौल से संपर्क किया। SP साहब ने तत्परता से उस पर कार्रवाई करते हुए SP नारनौल ने तत्परता से कार्रवाई की, जिसमें SHO और उनकी सारी टीम ने उसको मिलके आज पकड़ लिया है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई है पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड की है उसके खिलाफ और जो आगे ही कार्रवाई कर रही है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरा सबसे यही कहना है कि कोई भी अगर ऐसी कोई किसी के पास कॉल आती है तो उनको अनसुना करें, या कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो वो तुरंत यहाँ कार्यालय में बताएँ और उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कराएँ और अपना जो भी है किसी तरह का प्रलोभन में या किसी भी उनके पक्ष में ना आए, किसी भी लोभ में ना आए। एक ने तो मेरे को कंफर्म किया था और दो उधर बता रहे थे, इसमें अपने लोहारू सब डिपो में भी बता रहे थे दो आदमी कि उनके पास भी कॉल आई है, तो पैसे की डिमांड कर रहा था। पद वगैरह बढ़वा देंगे या कुछ भी है जो? हाँ, उसको भाई इंक्रीमेंट दिला देंगे, आपकी सैलरी बढ़वा देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। हो सकता है आजकल साइबर फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है तो उसमें हर तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।